हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए। सो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है जो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो वो आपके महाराष्ट्र में हैं। अरहर को नुकसान पहुँचाता है, उकठा रोग है जो पहुँचाता है, अलमट्टी जो बांध है कौन सी नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है, आकाश गंगा की जो आकृति है वो स्पाइरल है, आदम की पुल भारत और श्रीलंका के बीच में है, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, तो महानदी को कहा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कौन सी नदी को, तो बिहार के शोक कोसी नदी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर, एलिफेंटा दर्रा तो श्रीलंका में है। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी होती है। कपास के लिए काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से होती है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था धन्यवाद में है। कैगा परमाणु केंद्र कहाँ पर है, तो कर्नाटका में है। कोइलाकाडो जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो बिहार में है। कोला प्रायद्वीप रूस में है। क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे सुंदर डेल्टा सुंदरबन डेल्टा को कहा जाता है। क्षेत्र के दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। खैबर दर्रे से जुड़े है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गेहूँ बोने का सबसे उपयुक्त महीना अक्टूबर और नवंबर होता है। ग्रैंड बैंक स्थित है कहाँ पर, तो अटलांटिक महासागर में है। चारों ओर से पर्वतों से घिरा पठार, सो अनंतरा पर्वतीय पठार है। जिप्सम है जो कि अधातु है। जो जिला जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स अमेरिका में है। डलहौजी नगर नामक पर्यटन स्थल हिमाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट का नाम है कोरोमंडल है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। त्रिवेणी नहर कहाँ पर है, तो त्रिवेणी नहर गंडक नदी है। दक्षिणी गोलार्ध के सबसे छोटा सा दिन होता है 21 जून को। दफला एवं सिंहपो जनजातियाँ अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ हैं। दूध का रंग हल्का पीला होता है, तो वो कैरोटीन के कारण होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, सिक्किम से होकर गुजरती है। नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ स्थित है कहाँ पर, कोच्चि में है। नयूमर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पठारी प्रदेश छोटा नागपुर का सबसे प्रसिद्ध नगर रांची पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थिति अंतरिक्ष सीसलूनर। पृथ्वी की अनुमानित आयु 400 करोड़ वर्ष। पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि द्वारा। पृथ्वी का जुड़वापन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर फैला हुआ है प्रशांत महासागर है। पेंगुइन पक्षी
पाया जाता है? अंटार्कटिका में, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी, फ्रांसिसियो ने भारत में अपना पहला कारखाना बनाया तो सूरत में बनाया। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है? बादलों के फटने का अर्थ है मूसलाधार बारिश होना। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है? बुर्जिला जिला स्थित कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। बैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार में है। भारत एवं ग्रीनविच के मानक समय में अंतर है 5 घंटा, 5.5 घंटा का अंतर है। भारत का पहला दियासलाई का कारखाना अहमदाबाद में है। भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। भारत का प्राचीनतम बलित पर्वत है जो कि आपका अरावली पर्वतमाला है। भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र डक्कन। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य यूपी। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य तो आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य तो राजस्थान। भारत का सबसे बाढ़ग्रस्त राज्य तो बिहार है। भारत का सबसे समृद्ध राज्य पंजाब। भारत का सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य महाराष्ट्र। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर तो गॉडविन ऑस्टिन को कहा जाता है केटू, जिसे कहते हैं माउंट केटू। भारत का सर्वोच्चतम संगमरमर प्राप्त होता है तो मकराना से होता है। भारत में सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है तो शिव समुद्रम है। भारत में तेल के भंडार अपसादी या परतदार चट्टानों में हैं। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। भारत में बौद्ध धर्म बनने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है महाराष्ट्र में। भारत में मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक तो कुरियन को कहा जाता है, डॉक्टर कुरियन को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार झारखंड। भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन यूपी। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह। भारत में सबसे पहले कोयला खनन रानीगंज। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्रखंड उत्तर रेलवे प्रखंड। भारत में समुद्रीय तट रेखा वाले राज्यों की जो संख्या है 9 है। भारत में सबसे अधिक अवरक उत्पादक राज्य है बिहार है। भारतीय खनिज भंडार छोटा नागपुर का पठार भारतीय तट रेखा की लंबाई 8,000 किलोमीटर। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलम हिमाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। महासागरीय लहरों का कारण है चंद्रमा। माउंट केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और भारत की सबसे ऊंची। मालाबार के तटीय प्रदेशों में पाई जाती है तो लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। लक्षद्वीप में कुल द्वीप है 37। लोएस पठार है चीन। वायुमंडल की अस्थायी गैस नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड।
सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2, और वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल के कारण होता है। वायुमंडल के सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, 78% पाई जाती है। O2 ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 21%, और आपको CO2 कितनी पाई जाती है, 0.03%। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष संस्थान तिरुवनंतपुरम में है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे बड़ा अवरक उत्पादक भारत है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी पर्वत है। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है, कहाँ, ब्रह्मपुत्र नदी में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, और भारत का है जो कि थार मरुस्थल है। विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। शनि ग्रह के चारों तरफ होते हैं। बलय शीत ऋतु में वर्षा भूमध्य सागर क्षेत्रों में होती है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। सफ़ेद महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। सबरीमाला कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। सबसे अधिक अवरक झारखंड में होती है। सबसे पहले ग्रीन हाउस के बारे में बताया, तो आथिर न्यास ने बताया। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 है। सरगेसो सागर स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। सांबर झील जयपुर में है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए सबसे अधिक समय लेता है, तो बृहस्पति ग्रह लेती है। सूर्य के धरातल का जो तापमान है वो कितना है, तो 16,000 डिग्री सेल्सियस है। हेली धूमकेतु तारा का आवर्तक काल है 76 वर्ष। चलिए टोटल 120 क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।